आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार। जय सच्चिदानंद। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हम हमारे स्टूडियो के अंदर ऐसा एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसी महान विभूति, एक ऐसे महान आध्यात्म विज्ञानी जो भीतर के जगत में ही अपने गोते लगाते हैं और उस आनंद की प्राप्ति करते हैं, अनुभव को बढ़ाते हैं, उसी ज्ञानी पुरुष से आज हम भी अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि जीवन का कल्याण, जीवन की दिशा, जीवन का सुख अनुभव से ही मिल सकता है, पुस्तकीय ज्ञान से नहीं मिल सकता है। तो आज हम स्वामी जी के मुखारबिंद से हमारी डे टू डे, प्रतिदिन हमारी जो जो समस्याएं हैं, जिस वातावरण से हम गुजरते हैं, उसके संबंधी आज हम स्वामी जी से जो उपदेश सुनेंगे। स्वामी जी, पिछले जो हमारे एपिसोड के अंदर राजनीति से संबंधी प्रश्न उठा था कि आज राजनीति इतनी हावी हो गई है कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर की राजनीति हावी ना हो, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है, सब क्षेत्रों के अंदर हावी हो गई है, उनकी जरूरत पड़ती है, उनको दिखाया जाता है अखबारों के अंदर, टीवी पे, और वही खुदा बन गए हैं, उसके बिना किसी का काम नहीं चलता है। और दूसरा जो वर्ग है, चाहे शैक्षणिक वर्ग है, साधु है, सन्यासी है, जिनके पास बहुत बड़ा आप जैसे लोग हैं, ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान जनता को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो हावी हो गए हैं। तो ऐसे समय के अंदर हमारा अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ डिविजन किस तरीके से संतुलन पैदा कर सकता है, वो आप बताएं। आज समाज के अंदर हर जगह पॉलिटिक्स घुस गया है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? आम लोग यही समझते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है अपना काम अपनी तरह हम कैसे करवा सकते हैं, तन से, मन से, धन से, साम दाम दंड और भेद से, बस उसी का नाम आज पॉलिटिक्स बन गया है। और इसीलिए चाहे राजकीय पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस में पॉलिटिक्स हो, चाहे नौकरी में पॉलिटिक्स गिनो, चाहे समाज में पॉलिटिक्स गिनो, चाहे धर्म में पॉलिटिक्स गिनो, चाहे एजुकेशन में पॉलिटिक्स गिनो, हर जगह पे पॉलिटिक्स आ गया है। तो पॉलिटिक्स की जो परिभाषा जो थे पहले ज़माने में, पॉलिटिक्स का मतलब होता है आदमी को समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए जीना है, और इसीलिए समाज का कैसा भला होवे, कैसा अच्छा होवे, लोगों को सुविधा कैसे मिले, लोगों का स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे, लोग कैसे एजुकेटेड बने, लोगों को कैसे रोजगार मिले, और समाज के अंदर सौहार्द वातावरण, एक दूसरे के प्रति प्रेम, रिस्पेक्ट, अच्छी भावना, प्रगति की भावना, मैत्री, भाईचारा बढ़े, ऐसा पॉलिटिक्स होना चाहिए। मगर आज क्या हुआ, पहले ज़माने में एक राजा थे और बाद में उसकी परंपरा से वो राज चलता था, तो राजा के पास जो संपत्ति थी इसको संपत्ति बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर जो संपत्ति प्रजा के पास से वो लेते थे वो प्रजा के लिए ही वो खर्च कर देते थे, और इसीलिए उनको जीवन जीने के लिए कोई संपत्ति की आवश्यकता नहीं थी। मगर आज क्या हुआ, जितनी पार्टी इतने राजा बन गए, जितने नेता इतने राजा बन गए, जितने गवर्नमेंट अधिकारी इतने राजा बन गए, जिन जिन व्यक्तियों को समाज में सत्ता मिल गई वो राजा बन गए, यानी समाज में राजा बहुत हो गए, और इसीलिए संघर्ष होना वो तो आवश्यक है, और इसीलिए समाज अगर तंदुरुस्ती की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं सही कर रहा हूँ मगर मैं आर्थिक कमज़ोर हूँ तो पैसे वाला व्यक्ति मेरे को गलत साबित कर सकते हैं अपने धन से, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। कहीं क्या होता है कि बुरा आदमी होता है वो
इलेक्शन में जीत जाता है और अच्छा आदमी नीति वाला आदमी है वो हार जाता है, तो समाज के लिए तो अच्छा नहीं है, मगर क्या करना पड़ेगा, ये तो लोकशाही है, जिसको ज़्यादा वोट मिला इनको स्वीकार करना पड़ेगा और 5 साल के वो राज करेंगे और 5 साल के अंदर राज करके कम से कम दोबारा आए या न आए मगर 5 साल में इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि उनकी 7 पीढ़ी चलती रहे। यानी पॉलिटिक्स हर फील्ड में एक पैसा कमाने का साधन बन गया है जो पहले सेवा का साधन था। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि या तो भारतवर्ष के अंदर राजाशाही होनी चाहिए या तो सरमुख्तियारशाही। सरमुख्तियारशाही इतनी अच्छी नहीं है मगर राजाशाही अच्छी है। तो राजाशाही होती है तो उसमें एक ही परिवार के लोग जो सुखी है संपन्न है और उसको पैदा हुए उसके यहाँ पैदा हुआ बच्चा ही वो राजा बनता है, उनको बचपन से ही ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये राजाशाही तो संभव नहीं है, मगर अगर लोकशाही के अंदर ऐसे नीति नियम बनाए जाए ताकि कोई भी व्यक्ति समाज के विरुद्ध अपने बल से कपट से छल से इसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करे तो उसको सदा के लिए जेल में बिठाया जाए। ऐसा कानून भी कड़क होना चाहिए जो समाज के अहित के लिए कोई भी व्यक्ति काम करता है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, चाहे कोई संस्था के मुखिया है, चाहे कोई शैक्षणिक संस्था के मुखिया है, जो भी है, अगर वो गलत काम करता है तो उनके लिए बड़ी सी बड़ी सजा होनी चाहिए और इनका डिसीजन बहुत जल्द आना चाहिए। उसीलिए हमारे कानून की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए, लॉ भी ऐसे होने चाहिए, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं ऐसा समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से पॉलिटिक्स हो रहा है, हर व्यक्ति का, सत्ताधारी व्यक्ति का सिर्फ विरोध करना विरोध के नाम पे, ये ठीक नहीं है। आखिर देश चलाना है, आप सत्ता पे हैं या विरोध पार्टी पे हैं, देश के लोगों को फायदा होना चाहिए, उसके लिए आपकी जागरूकता होनी चाहिए। अगर देश के लोगों को आप आपस आपस में टकरा होंगे, हिंसा करोगे, साधनों का नाश करोगे, जला दोगे, खूना मरकी फैलाओगे, वैमनस्य फैला दोगे और इसको ही अगर हम लोकशाही कहेंगे, इसको ही हम पॉलिटिक्स कहेंगे, तो ये अच्छा पॉलिटिक्स नहीं है। मैं समझता हूँ कि कम से कम लोगों की भावना, लोगों के प्रति के लिए, प्रगति के लिए जागरूक होनी चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो इलेक्टेड है या नॉन इलेक्टेड है, उसको समाज के लिए काम करना है, ऐसा ही मानना चाहिए। तो मेरी राय ऐसी है कि लोगों को पॉलिटिक्स में सिर्फ समाज कैसे आगे बढ़े, उसी प्रकार की सोच होनी चाहिए, उसी प्रकार की सोच रखनी चाहिए और उससे कोई गलत करता है तो इसका विरोध भी लोकशाही तरीका से, समाज का नुकसान ना हो, व्यक्तियों के अंदर वैमनस्य पैदा ना हो, उसी प्रकार से करना चाहिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, सरल स्पष्टीकरण से बहुत गूढ़ बात बताने के लिए, समाधान देने के लिए। स्वामी जी, हमारे जितने भी धर्मशास्त्र है उनके अंदर दो चीज़ें बताई गई है, वेदांत के अंदर जीव और ब्रह्म, सांख्य के अंदर प्रकृति और पुरुष, जैन धर्म के अंदर जड़ और चेतन, और द्वैत अद्वैत, ये दो बातें प्राय जो है हर धर्म के अंदर बताई गई है और इन दोनों बातों का आपस के अंदर सामंजस्य भी है, विघटन भी है, इन दो के हिसाब से फिर सारी दुनिया बताई गई है। जैसे माया है, इसके आधार से दुनिया चलती है, तो आपका ये अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ डिवीज़न भी अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म को पूरा समझाने के लिए वो किस तरीके से इस द्वंद्व की जो बात है उससे हट करके है या इसी से चीज़ से है, क्या चीज़ है आपके दोनों इन बड़े मिशन के अंदर? तो द्वंद्व क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, द्वंद्व अच्छा या बुरा, इसको द्वंद्व कहेंगे। प्रगति अधोगति, वो द्वंद्व कहेंगे। हर चीज की दो साइड होती है, इसको द्वंद्व बोलता है। और समाज तो द्वंद्व से ही चलता है,
तभी लोग जागृत रहते हैं। जो आत्मशक्ति है वो निर्द्वंद है, उसमें टू वे नहीं है, वन वे है। आत्मा अनंत शक्ति वाला है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा अविनाशी है तो विनाशी नहीं है। तो ये सब जो द्वंद होता है वो संसार में होता है, व्यवहार जीवन में होता है, और द्वंद जो होता है वो व्यवहार जीवन में रहेगा। मगर ये द्वंद के पीछे हमारी जो सोच है वो द्वंद में कैसी होनी चाहिए। द्वंद जो होता है वो पॉजिटिव विजन की तरह होना चाहिए। हम कैसे आगे बढ़े, हम समाज में क्या करते हैं, गलत चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, उसमें डीप चले जाते हैं, और इसीलिए हमारी दृष्टि, हमारी सोच, ये सब कुछ गलत रास्ते को ग्रहण कर देती है, और इसीलिए हमारी जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भले ही गलत हो चुका है समाज में, परिवार में या खुद के जीवन में, इस बातों को हम गौणता से लेके आगे कैसे बढ़े, अच्छे कैसे बने, प्रगति कैसे करें, अच्छे काम कैसे करें, और हमारा परिवार और समाज का विकास कैसे होवे, उसी पॉजिटिव दृष्टि से देखकर, उसी पॉजिटिव दृष्टि को लक्ष्य में रख के हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो संसार तो द्वंद से ही बड़ा है। अगर द्वंद नहीं होता है तो अच्छी कॉम्पिटिशन नहीं होगी। हर व्यक्ति को एक ही दिशा में जाना है तो अच्छी कॉम्पिटिशन नहीं होगी। तो इसीलिए जब नेगेटिव है तभी पॉजिटिव की कीमत है। आज कोई व्यक्ति खराब है तभी अच्छे व्यक्ति की कीमत है। आज एक व्यक्ति फेल हुई है तभी जो पास होती है उसकी कीमत है। आज एक व्यक्ति का लॉस हुआ है तभी जो कमाई करती है उसकी कीमत होती है। तो समाज में तो ये द्वंद रहेगा। द्वंद नहीं है तो फिर आगे जाने का बल कैसे मिलेगा। मगर आगे जाने का बल नेगेटिव सोच के ऊपर न होते हुए पॉजिटिव सोच के ऊपर करो। हम भी कैसे आगे जाए, हम भी कैसे ज़्यादा पैसा कमाएं, हम भी समाज के लिए कैसे अच्छा काम करें, हम भी अपना और समाज का स्वास्थ्य कैसे अच्छा बढ़ाएं, हम भी समाज में एजुकेशन कैसे बढ़ाएं, हम भी लोगों के अंदर धर्म की भावना कैसे बढ़ाएं। भले गलती हो जाती है, भले भूल हो जाती है, भले नुकसान हो जाता है, मगर सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। देखो यहाँ वस्तु की कीमत नहीं है, वस्तु की कीमत नहीं है, वस्तु कहाँ लगाया जाता है उसकी कीमत है। जैसे जो घुंघरू आते हैं वो चांदी के आते हैं, वो महंगे होते हैं, मगर फिर भी हम पाँव में रखते हैं। और बिंदिया आती है वो 5 या 10 पैसे की होती है, मगर इसको सर के ऊपर लगाया जाता है। तो कीमत उसकी प्राइस क्या है वो उचित नहीं है। उनकी वैल्यू क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, इनका रिस्पेक्ट क्या है, उसके मुताबिक उसको स्थान मिलता है। तो यहाँ कंपटीशन कितना पैसे वाला बात है, कितनी महंगी बात है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैल्यू उसकी होती है कि उसको किस प्रकार से रिस्पेक्ट मिलता है। तो हर चीज़ को अपनी तरह उनको रिस्पेक्ट मिलता है। तो हमको भी अपने जीवन में ऐसे काम करने चाहिए, खुद का लाइफ भी ऐसा बनाना चाहिए, ताकि समाज में हम भी आगे बढ़े, हमारा परिवार भी आगे बढ़े, और पूरा समाज और राष्ट्र आगे बढ़े। ऐसी हमारी सोच हर समय हर अवस्था के अंदर पॉजिटिव होनी चाहिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वलन समस्या का समाधान आपने सरल सरल जो है सिद्धांत के माध्यम से दिया। स्वामी जी आज के इस पूरे वैश्वीकरण की हम बात करें तो वैश्वीकरण आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है, घूसखोरी की समस्या से जूझ रहा है, और रेप जैसे अत्याचार हो रहे हैं, और असंवेदनशीलता हो रही है, चारों तरफ हिंसा का वातावरण, और हर देश के अंदर हिंसा का वातावरण हो रहा है। तो ये प्रेम जो है ना इतना घट गया है, और व्यक्ति व्यक्ति को चाह नहीं रहा है, जबकि व्यक्ति व्यक्ति जीवित प्राणी, उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। तो इस जलते हुए मानव जगत को आपका जो है
अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ डिवीजन क्या ठंडक पहुंचा सकता है, क्या रोशनी दे सकता है, क्या समाधान दे सकता है, कृपया बताइए। आज समाज के अंदर आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है। हम टेररिस्ट को ही टेररिस्ट मानते हैं, मगर मैं ऐसा मानता हूँ समाज के हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के टेररिस्ट बन चुके हैं, जो आम जनता को नॉर्मल तरह अच्छी तरह जीने नहीं देता है, क्योंकि या तो उसका अहम गवाता है, या तो उनकी नीतियाँ गलत है, या तो कुछ सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, या तो कुछ धर्म के बारे में कोई चीज़ होती है। ऐसे करके वो समाज में आतंकवाद बढ़ाता है। आतंकवाद का मतलब होता है किसी को मारना, यही नहीं होता है गलत तरीके अपना कि किसी को गिराना, किसी को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को बड़ा बताना, अपने आप को आगे ले जाना, ऐसा दिखावा करना, ये सब तो आतंकवाद है। आतंकवाद क्यों बढ़ा? समाज में जितनी भी असमानता बढ़ेगी आतंकवाद बढ़ेगा, हर फील्ड में बढ़ेगा। आज पॉलिटिक्स में क्या हो गया है? आतंकवाद हो गया है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए गलत बोल रही है। क्यों गलत बोल रही है? क्योंकि उनको सत्ता में आना है। तो सत्ता में आने के लिए जिस प्रकार के वो प्रयोग करता है, अच्छा बुरा बोल देता है, जो समाज को जरूरत नहीं है ऐसी बातें वो बोलता है, तो वो एक प्रकार का आतंकवाद है। आप समझे, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत बात को बार बार पेश करके सही बताने की कोशिश करते, ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ जीवन के हर क्षेत्र में आतंकवाद है। आज बच्चे को स्कूल में बच्चे पैदा होता है तो हॉस्पिटल वाला बोलेंगे आपके पास पैसा है तभी हम रखेंगे, नहीं तो यहाँ नहीं रखेंगे। ये क्या है? ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? जब बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना है तो स्कूल में बोलेंगे आपके पास पैसा है, नहीं पैसा है तो हम एडमिशन नहीं देते हैं। तो ये आतंकवाद है। नौकरी के अंदर जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, मगर उनके पास या तो पैसा नहीं है या तो उसके पास पहचान नहीं है, तो उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, तो ये आतंकवाद है। मैं डॉक्टर बना हूँ, इतना सारा पैसा खर्च करके, मगर मेरे पास नहीं है पैसा तो मैं हॉस्पिटल नहीं बना सकता हूँ। पर एक कच्चा जो MBBS है, जो अच्छी डिग्री प्राप्त नहीं किया है उन्होंने, बहुत कम मार्क्स से पास किया है, मिनिमम मार्क्स से पास किया है, अगर उसके पास पैसा है तो वो हॉस्पिटल बनाएगा और अनुभवी अच्छे डॉक्टर के ऊपर वो प्रेशर लाता रहेगा, तो ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? समाज के हर क्षेत्र में आतंकवाद होता है। क्यों होता है? इसको भड़काया जाता है, इसको जगाया जाता है, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा किया जाता है और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए सब कुछ करते हैं। आज देश और विदेश के बीच, बॉर्डर के बीच जो आतंकवाद है वो क्या है? वो धर्मांधता है। क्या है? धर्म में अंध हो गए, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो ऐसा बताता है हिंदू लोग मुसलमान को लोग मार रहे हैं, मुसलमान लोग हिंदू लोग को मार रहे हैं, ऐसे भड़का के उनको आतंकवादी के रूप में पैदा करते हैं, फिर एक दूसरे को मार देते हैं। तो इसीलिए ये आतंकवाद हर समाज में, हर देश के लिए, हर राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए कोई भी लेवल में अच्छा नहीं है। हम यही कहते हैं, हम प्रेम मैत्री भावचारा भाईचारा कैसे बढ़ाए, लोग कैसे प्रगति करें, उसमें लाखों लोगों को जोड़ो और देश देश के बीच प्रेम बढ़ाओ। जितना अंतर बढ़ाओगे, जितना कानून बढ़ाओगे, जितने नीति नियम बढ़ाओगे, इतना तोड़ने वाले भी होंगे और अंतर बढ़ता रहेगा। तो धीरे धीरे हम ऐसा वातावरण बनाए ताकि पूरे विश्व के अंदर एक इंसान की तरह हर इंसान कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं, चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे आध्यात्मिक है, चाहे पॉलिटिक्स है। ऐसा वातावरण पूरे वर्ल्ड में बनेगा तो हमारी जो धर्म और संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही एक कुटुंब है, और सबकी भलाई करना, सबका कल्याण करना,
सबकी प्रगति करना, सबके सबको पढ़ाई मिले, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका परिवार अच्छा रहे, यही हमारी भावना होनी चाहिए और उसी रास्ते पर आप आगे चलोगे। तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारे समाज के हर क्षेत्र में से ये आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। स्वामी जी, हमारे जीवन की ज्वलंत समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता साधुवाद। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अध्यात्म विज्ञान आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम के साथ हमारे से जुड़ते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ नहीं सब कुछ मिलने वाला है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से और स्वामी जी के मुखारविंद से जो अनुभवी हैं, उनके भीतर से निकलने वाला ज्ञान है वो आपको अनुभव देगा, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आप इस कार्यक्रम से और स्वामी जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकगण, श्रोतागण, आप सभी का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, और आपके मंगलमय जीवन की शुभकामना। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं